मागणी सा, आज तीज है, सो हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। सुबह से ही तीज की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी, मेहंदी लगाना। मैंने मम्मा को मेहंदी लगाई, मेरे भाभी सा को मेहंदी लगाई, हम दोनों ने मिलके मम्मा को और मैंने भाभी सा को लगाई मेहंदी। ये त्यौहार काफ़ी अच्छा होता है शादीशुदा के लिए, कुंवारी के लिए। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगी, क्योंकि आज मैंने सोचा कि भाभी सा की हेल्प कर दी जाए, दोनों का फास्ट है, तो जितना हो सका मुझसे मैंने उतना किया। आज हमने बेसन बनाया जो कि बहुत सिंपल रेसिपी है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं जैसा बेसन बनाती हूँ वो एक बार ट्राई करना, काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अच्छा लगता है। जो बेसन नहीं खाता है वो भी खाने लगता है, तो काफ़ी और एक्चुअल में बहुत अच्छा बेसन बना था आज। तो ये हाँ, मैंने मिर्ची काट ली, प्याज काट लिया, दूध भी गर्म कर लिया है, तेल रख दिया है कढ़ाई में, कढ़ाई के बाद फिर आटा भी लगा दिया है। कढ़ाई को माइंड मत करना, क्योंकि मेरी नानी की भी कढ़ाई है, इसलिए इसे मम्मी फेंकती नहीं है। तेल में जीरा डाला, राई डाला और उसके बाद प्याज को पकने के लिए उसमें थोड़ा सा नमक भी डाला था, उसके बाद ग्रीन चिली। नमक डाल देने से प्याज बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए मैं पहले भी डाल देती हूँ, जल्दी जल्दी पक जाए। तो ये ऑलमोस्ट हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। वैसे डाल रखी है, बट जिसको जैसा स्वाद हो उस हिसाब से वो डाल सकता है। थोड़ी सी हल्दी और डाली है मैंने, उसके बाद इसको अच्छे से हिलाएंगे। उसके बाद आपको जितना बेसन चाहिए उतना आप इसमें डायरेक्ट डाल दीजिए, और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से। फिर इसको पूरा अच्छे से हिला लीजिए, आपस में जैसा मिल जाना चाहिए, और उसको थोड़ा टेस्ट मतलब एक अलग सा ही वो आएगी, खुशबू आएगी इसकी। तब तक उसको सेकना है, फिर उसके अंदर पानी डाल के उसको कंटिन्यू हिलाना है। और ये ध्यान रखना है कि इसमें कहीं गाँठी नहीं आना चाहिए, मीन्स लम्स नहीं बनना चाहिए। तीज के त्यौहार में सब मतलब झांकियां बनाते हैं और शिव जी पार्वती जी की पूजा करते हैं। तो ऐसे हम लोग 7 जगह गए थे जहाँ यह मतलब प्रतिमा बना के उनकी लिंग बना के पूजा की गई थी। तो काफ़ी अच्छा लगा इस टाइम एक दूसरे के घर आना जाना हुआ, जिनसे काफ़ी टाइम से काफ़ी सालों से नहीं मिले थे उनसे मिलकर आए, तो बहुत अच्छा माहौल था। फिर तीज के दिन रात भर जगते हैं, इसीलिए हम लोगों ने मिलके कुछ थोड़े बहुत कार्यक्रम रखे, जैसे मटकी फोड़, जिसमें कि भाभी मटकी फोड़ रही है और ये मैं फोड़ रही हूँ, बट मुझसे भी नहीं फूटी। और उसके बाद चेयर रेस भी किया हम लोगों ने, काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि इस उपवास में रात में नहीं सोया जाता है, 5 टाइम पूजा की जाती है। उसके बाद सब ने मिलकर डांस भी किया, काफ़ी इन्जॉय किया, और इस तरह से रात के 3 बजे तक सब लोगों ने मस्ती की और फिर सब अपने अपने पूजा पाठ में लग गए। तो यह हमारे यहाँ मनाया जाता है, आपके यहाँ यदि मनाया जाता तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।